आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक ऐसे पौधे के बारे में जो अपने गार्डन में लगाने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका नाम, इसे मैंडीविला के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन होती है। इसके फ्लावर समर में आती हैं। यह समर प्लांट है। यह प्लांट विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है, पर आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। समर में इसकी ग्रोथ फिर से हो जाती है और ये गुच्छों में खिलता है। अभी भी देखिए इसमें कलियां कितनी सारी बन रही हैं। अभी तो इसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं ली है अभी तो, क्योंकि मेरे यहाँ अभी समर स्टार्ट हुई है, तो अभी तो ये काफ़ी और इसकी ग्रोथ लेगा और काफ़ी ये फैलेगी। इसके फ्लावर्स जो होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये कई कलर में भी आता है। इसके जो कलर होते हैं वो वाइट, रेड, येलो एंड पिंक, चार तरह के फ्लावर्स होते हैं और जो चारों ही काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास दो कलर के प्लांट हैं, दो कलर के फूल आते हैं उस पर, एक रेड ये जो है और एक वाइट। कि फ्रेंड्स, ये है मेरे पास वाइट कलर का वाइन जो सेम ही फ्लावर्स हैं और सेम ही इसकी लीव्स वगैरह हैं। और देखिए ये इसकी ग्रोथ देखिए कैसे ट्रेलिस पर चढ़कर जा रही है। ये भी काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको 3 या 4 आवर्स की सन भी दे सकते हैं। वैसे इसको सेमी सेड एरिया में ही रखना चाहिए, इसको कम धूप की ज़रूरत होती है। और जितना आप इसे अच्छे से इसकी सॉइल को आप रिच रखेंगे तो ये आपका पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, इस फ्लावर्स में खुशबू नहीं होती पर ये खिलते समय काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। मिड समर में ये आते ही काफ़ी सारे फूल देता है, गुच्छों में इसके फूल खिलते हैं। आप इसे आउटडोर, इंडोर, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। आप इसे नर्सरी से खरीद कर भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी आसानी से लग जाती हैं, ईजी टू ग्रो है। इसके सीड्स भी आते हैं पर हवा में जब ड्राई होने के बाद तो वो उड़ने लगते हैं तो दिखाई नहीं देते। और सीड से ग्रो करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि प्लांट काफ़ी देर से निकलते हैं। यदि आप कटिंग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसकी सॉइल आपको रिच, सॉफ्ट एंड सैंडी रखनी होगी और बेल्ट्रेन भी। वाटरिंग आप समर में एक बार ज़रूर दें। इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती हैं जो डार्क कलर में होती हैं। आप इसे एक बार लगाएंगे तो ये सालों साल चलेगा आपके गार्डन में और ये लगातार आपको फ्लावरिंग भी देता रहेगा। फर्टिलाइज़र में आप इसे काउडंग या आपके पास किचन वेस्ट की कंपोस्ट या आप सीवीड या बोन मील आप दे सकते हैं। देखिए मेरी मिट्टी, देखिए मैं आपको अपनी मिट्टी दिखाती हूँ। देखिए मेरी कितनी मिट्टी, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और सैंडी है। आप इसे किसी भी ट्रेलिस पर चढ़ाकर लगा सकते हैं। इसको ट्रेलिस का सारा देना होता है। कभी कभी इस वाइन पर मिली वक्त का भी अटैक हो जाता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने अपने गार्डन में ये खिलते हुए फ्लावर्स को देखा तो मुझे लगा कि मैं आपको भी शेयर कर दूं। और देखिए मैंने ये वीडियो आपके लिए ही तैयार की है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।